एवरीवन. तो आज जो आप लोगों के लिए मैं बिग बॉस 13 की अपडेट लेके आई हूँ ना, वो सुनकर डेफिनेटली आपके होश उड़ने वाले हैं. तो जो लेटेस्ट एपिसोड था, दैट वॉज फुल ऑफ ड्रामा, लड़ाई झगड़ा एंड सम लवी डवी मोमेंट्स टू. आप समझ गए होंगे, रश्मि और अरहान की बात कर रही हूँ. कल हमें इन दोनों के बीच हल्का हल्का रोमांस शुरू होता नजर आया, लेकिन इससे पहले कि इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हो ना, इस लव स्टोरी में एक विलेन की एंट्री हो गई. क्या माजरा है सब, चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं. टीवी एक्टर अरहान खान बिग बॉस 13 में आने के बाद से ही न्यूज में बने हुए हैं. पहले हफ्ते तो वो आते ही सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज से भिड़ गए, और अब वो रश्मि देसाई से अपनी नजदीकियों को लेकर चर्चा में बने हैं. खबरों की माने तो रश्मि और अरहान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि दोनों ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन बिग बॉस हाउस में अब दोनों के बीच प्यार साफ नजर आ रहा है. और ऐसे में अरहान खान पर एक एक्ट्रेस अमृता धनोआ ने गंभीर आरोप लगाए हैं. एक ऑनलाइन पोर्टल से बातचीत में अमृता ने ये दावा किया है कि अरहान खान एक फ्रॉड है जो शो में अपनी असली पहचान छिपा रहे हैं. अमृता की माने तो अरहान का असली नाम मजहर शेख है. अमृता ने अरहान खान पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए ये कहा कि अरहान के साथ वो 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रही थी. इनफैक्ट अरहान ने उनसे शादी करने का भी वादा किया था, लेकिन बाद में अमृता ने अरहान की हरकतों की वजह से उन्हें अपने घर से निकाल दिया था. अमृता की माने तो अरहान एक सीरियल चीटर हैं, और उनका असली प्रोफेशन लड़कियों को इम्प्रेस करना, उनके साथ रहना और उनके पैसों पर जिंदगी को एंजॉय करना है. और अब रश्मि देसाई भी अरहान के जाल में फंस गई है, जिसके लिए अमृता को काफी बुरा भी लग रहा है. अमृता ने अरहान के प्रोफेशन पर भी सवाल खड़े किए हैं. अमृता ने कहा कि वो अमीर नहीं है जैसा शो में खुद को दिखाते हैं, उनका कोई बिजनेस नहीं है. मैंने उसे कहते सुना है कि उसके जिम का बिजनेस है, लेकिन ये सरासर गलत है. तो काफी सीरियस एलिगेशंस लगे हैं अरहान खान के ऊपर. अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो अरहान के घर से बाहर आने के बाद ही पता चलेगा हमें. फिलहाल कल तो रश्मि ने क्लियरली बोल दिया कि शी रियली लाइक्स अरहान. देवोलीना से बातचीत करते वक्त रश्मि ने अपनी लाइकिंग बोली कि वो अरहान को पसंद करती हैं. इनफैक्ट शी इज़ प्लानिंग टू सेटल डाउन बाई नेक्स्ट ईयर. तो क्या अपनी शादी को हिंट कर रही हैं, वक्त ही बताएगा. फिलहाल अरहान के इस पूरे जो किस्से को सुनने के बाद रश्मि कैसे रिएक्ट करेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी. बिग बॉस से जुड़ी एक अपडेट आपको और दे दूं. कल कैप्टेंसी टास्क में हमें 4 कंटेंडर्स मिले थे, जिनमें से कोई एक घर का नेक्स्ट कैप्टन बनने वाला था. पारस, माहिरा, देवोलीना और विशाल आदित्य सिंह. एंड द लेटेस्ट अपडेट इज दैट जो कैप्टेंसी टास्क होने वाला था ना, वो रद्द हो चुका है. दरअसल ये चारों हैं वो दिन में सोए पाए गए थे, और बिग बॉस इससे नाराज हो जाते हैं और वो ये टास्क जो है वो रद्द कर देते हैं. तो क्या शेफाली जरीवाला जो एग्जिस्टिंग कैप्टन है वही अगले हफ्ते की कैप्टन बनेंगी, या कोई नया टास्क होगा जिसके बाद फिर से कोई कंटेंडर चुना जाएगा, ये तो आज का एपिसोड देखकर ही हमें पता चलेगा. फिलहाल अरहान भाई साहब के इस किस्से के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, बताइए हमें अपने कॉमेंट्स के जरिए. और मैं मिलती हूँ आपको एक दूसरे वीडियो के साथ. ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे.